Hi, टुडे इज फिफ्टींथ ऑफ फेब्ररी 2020। थाउजेंड एंड ट्वेंटी लेटस है क्विक डिस्कशन ऑन टूडेज न्यूज पेपर द हिंदू आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं पहला फर्स्ट इज टेलकोज़ आज टू पे एजी आर ड्यूज इमीजिएटली ए जी आर अग्यार मीन्स एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू फिर हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स और इससे रिलेटेड अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि जो विंटर्स में कंस्ट्रक्शन वर्क स्टॉप हुआ था उसको फिर से रिज्यूम करना है देन थर्ड इज अबाउट नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कॉल्स फॉर साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ फ्लाई फ्लाई एश की हम बात करेंगे देन फोर्थ इज अबाउट अरावली रेंज अरावली माउंटेन रेंज देन फिफ्थ इज अबाउट मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे सिक्स है इंडियन पैंगोलिन रेडियो टैगिंग हो रही है इस इंडियन पैंगोलिन का देन सेवेंथ इज अबाउट चॉइस एंड कैंडिडेसी डी ऑफ पॉलिटिक्स इसके बारे में हम विल टॉक देन एट्थ इज अबाउट ट्रबलिंग डेटा नाइन्थ है अ टेल ऑफ आउटब्रेक्स ये एडिटोरियल है सार्स एंड कोरोना वायरस डिसीज 2019 इन दोनों का एक कंपैरिजन यहाँ पे स्टडी किया है देन टेंथ इज़ अबाउट वन एशिया टू परस्पेक्टिव ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है एडिटोरियल पेज में देन इलेवेंथ इज अबाउट अफगानिस्तान अफगानिस्तान को ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स बोलते हैं हम इसको पढ़ेंगे देन ट्वेल्थ इज अबाउट कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन थर्टींथ इज अबाउट बी एस सिक्स नॉम्स जो फर्स्ट ऑफ अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी से मैंडेटरी होने वाले हैं देन थर्टींथ इज अबाउट मोहन बागान ये एक प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है सो टूडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स फ्रॉम द पेपर द हिंदू सो लेट बिगिन पहला फर्स्ट है टेल्कोज टेलकोज का मतलब टेलीकॉम ऑपरेटर्स जैसे कंपनीज होती है ना एयरटेल और वोडाफोन आइडिया और जियो टेलकोज आज टू पे ए जी आर ड्यूज़ इमिजिएटली अब ये ए जी आर होता क्या है ए जी आर स्टैंड फॉर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू टेलीकॉम सेक्टर में पहले गवर्नमेंट की मोनोपोली थी 1994 में लिबरलाइजेशन हुआ और प्राइवेट एंटिटीज को टेलीकॉम सेक्टर में ऑपरेट करने का परमिशन मिला नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी आई 1994 में इस पॉलिसी में जो लाइसेंसिंग होती है और जो स्पेक्ट्रम होता है स्पेक्ट्रम मतलब रेडियो वेव्स जिस पे ये अपना फ़ोन कॉल्स और जो डिफरेंट मोबाइल सर्विसेज है वो प्रोवाइड कराते हैं तो इसका ऑनर तो होती है गवर्नमेंट पर गवर्नमेंट इस स्पेक्ट्रम को लाइसेंस पे देती है इन प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स को और इस स्पेक्ट्रम का ऑप्शन होता है और एक लाइसेंसिंग फ़ी इनसे गवर्नमेंट वसूल करती है तो ये इशू हुए प्राइवेट टेलीकॉम्स को बट इसका जो फ़ी था वो बहुत ज़्यादा स्टीप था तो 1999 में गवर्नमेंट लेके आई रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल रेवेन्यू मतलब डे टू को एनुअल लाइसेंस फी देनी पड़ेगी क्योंकि वो स्पेक्ट्रम का यूज कर रहे हैं और स्पेक्ट्रम यूजर चार्जेस देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को अब इसमें आता है एजीआर एजीआर का मतलब है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए और ये जितना भी इसमें डिस्प्यूट्स हुए हैं वो सब डिस्प्यूट्स हुए हैं कि ए की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम बोलता है ए में सारा रेवेन्यू इंक्लूड होना चाहिए बिफोर डिस्काउंट्स बोथ टेलीकॉम एंड नॉन टेलीकॉम सर्विसेज मींस कॉलिंग के अलावा जो दूसरी सर्विसेज हैं उसका भी इसमें ग्रॉस रेवेन्यू में एडिशन होना चाहिए ए में प्राइवेट टेलीकोस बोलते हैं कि जो रेवेन्यू है फ्रॉम कोर सर्विसेज है वही केवल हम इंक्लूड करेंगे उस पर कितना डिविडेंड हुआ कितना इंटरेस्ट आया प्रॉफिट आया सेल और इन्वेस्टमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है तो ये सब चीज़ें हम इंक्लूड नहीं करेंगे एजीआर में तो इससे गवर्नमेंट जो एजीआर कलेक्ट कैलकुलेट करती है और प्राइवेट टेलकोज जो ए कैलकुलेट करते हैं दोनों में डिफ्रेंस आ जाता है गवर्नमेंट ने ज़्यादा ए कैलकुलेट किया 2005 में ये प्राइवेट ऑपरेटर्स गए सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया इसने चैलेंज कर दिया गवर्नमेंट ने जो ए कैलकुलेट किया था उस पर 2015 में टी डी सेट आया टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट ट्राइब्यूनल ये भी ट्राइब्यूनल है मतलब ये स्पेशल सेट ऑफ़ केसेस को दिखेगा इसने अपना डिसीज़न लिया इन फेवर ऑफ़ टेलीकॉम कंपनीज तो उनकी डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया गवर्नमेंट गई सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट ने फेवर किया डीओटी के डेफिनेशन को और बोला कि जो डीओटी ने एजीआर कैलकुलेट किया है ना 1.47 लाख करोड़ रुपए का और पैसा दो प्राइवेट टेलीकॉम्स को इनको बोला अब ये जो डिसीजन आया इस सब डिसीजन के बीच में ये प्राइवेट टेलीकॉम्स ना ये पैसा देने में आनाकानी कर रहे थे वर ट्राइंग टू फाइंड अ लूप होल तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये तो कंटेम्प्ट हो जाएगा आप अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हम कंटेम्प्ट कोर्ट लगाएंगे एंड यू वुड बी ड्रैक्ट टू दी कोर्ट सो इनको ये डेडलाइन दे दिया है कि आप इमीजिएटली ये पूरे ए के जो आपके ड्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट को तुरंत पेमेंट करो इसका अब इंडिया में जो टेलीकॉम सेक्टर है ना वो काफ़ी डिस्ट्रेस में है और अगर ऐसा कुछ पेमेंट इनको करना पड़ता है तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जैसे वोडाफोन आइडिया है ये मार्केट से बाहर हो सकती है तो डुओपोली हो जाएगी एक तरफ एयरटेल रहेगा और एक तरफ दिस जियो रहेगा विच इज़ आई थिंक नॉट गुड फॉर द कंज्यूमर्स मोनोपोली डुओपोली इज़ नॉट गुड हमें बहुत सारे प्लेयर्स होने चाहिए एट द सेम टाइम गवर्नमेंट को अभी पैसे की बहुत ज़रूरत है तो ये वन पॉइंट फोर सेवन करोड़ रुपये का विंडफॉल गेन भी हो सकता है गवर्नमेंट को नाउ दिस इज़ अबाउट सेकेंड न्यूज आइटम सुप्रीम कोर्ट लिफ्ट दिल्ली एनसीआर कंस्ट्रक्शन बैन अब देखो ये एनसीआर है नेशनल कैपिटल रीजन और जो इलेक्शन हुए थे वो एनसीटी में हुए थे नेशनल कैपिटल टेरेटोरी तो एनसीआर में नोएडा गुड़गांव फरीदाबाद ये पूरा एरिया आ जाता है तो यहां पे कंस्ट्रक्शन पे बैन लग गया था इससे पहले ए हमने अभी देखा था हैव अ क्विक लुक ए क्यू आई का मतलब होता है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स वन नंबर वन कलर वन डिस्क्रिप्शन एक कॉमन मैन भी जज कर सके कि एयर की क्वालिटी क्या है तो उसके लिए ए क्यू आई इंडेक्स गवर्नमेंट लेके आई थी इसमें छह कैटेगरी थे जीरो टू फिफ्टी देन फोर हंड्रेड वन टू फाइव हंड्रेड गुड सेटिस्फैक्ट्री मॉडरेटली एट पॉलिटेंस हमने कैलकुलेट करते हैं इसमें कंसिडर करते हैं पी एम टेन पी एम टू पॉइंट फाइव एनओ टू एस टू सी ओ ओ थ्री अमोनिया एंड लेड ट्वेंटी फोर आवर एवरेज निकालते हैं अब ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है ना इससे ये पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलेट मैटर 2.5 बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं इन एयर ये छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन डेब्री और इन सब से एयर में रिलीज हो जाते हैं तो विंटर्स में ऑलरेडी स्टबल बर्निंग होती है और इसके कारण ये एस ओ टू ये सब आ जाता है तो ए विंटर के टाइम पे दिल्ली का हमेशा वर्स्ट हो जाता है स्टबल बर्निंग गार्बेज बर्निंग कंस्ट्रक्शन वर्क तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 6 ए एम टू 6 पी एम तक हम कंस्ट्रक्शन वर्क अलाउ नहीं करेंगे कोई परमिशन नहीं मिलेगी ये सी पी सी बी की रिकमेंडेशन पर हुआ था अब इसमें पार्शल रिलैक्सेशन दे रहे हैं ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान में कुछ पार्शल रिलैक्सेशन मिलेगा पहले भी मिल रहा था डिपेंडेंट अपॉन द डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ ए क्यू आई तो इस पूरे जो डिसीज़न था ना कंस्ट्रक्शन वर्क को बैन करने से इससे इम्पैक्ट किस पे आया इससे इम्पैक्ट आया रियल एस्टेट सेक्टर में ये डिस्ट्रेस में चला गया वर्कर्स जो थे उनके पास एम्प्लॉयमेंट उनको प्रॉब्लम होने लग गई प्रोजेक्ट्स जो थे उसकी डिलीवरी लेट हो गई तो जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो बोल रहा है अब थोड़ा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए बिकॉज अब प्रोजेक्ट्स टाइमली कंप्लीशन हो पाएंगे बिकॉज दिस कंस्ट्रक्शन बैन हैज़ बिन लिफ्टेड सो so, ये ए क्यू आई है देखो ये ऐसे करके सिक्स इंडेक्स होते हैं इसमें गुड सेटिस्फैक्ट्री मोडरेट पुअर वेरी पुअर सीवियर तो दिल्ली का अभी देखो क्या आया 173 तो 173 किस कैटेगरी में आया मोडरेट कैटेगरी में आया था ग्रेटर नोएडा वन है ऑल राइट सो दिस इज पेज नंबर टू यहाँ पे सेंट्रल विस्टा का बात किया है जो हमारा पार्लियामेंट है देन प्रेसिडेंट हाउस है इसमें रिवेम्प की बात चल रही है और इस पर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन ये उठे हैं कि जो फ्री एरिया है नाइन पॉइंट समथिंग एकड़ का वो रिक्रिएशनल पर्पजेज के लिए रिजर्व uh, है आप उसको यूज कर लोगे तो पब्लिक का लॉस हो सकता है देन दिस इज पेज नंबर थ्री दिस इज पेज नंबर फोर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कॉल फॉर साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ फ्लाई एश ये एन क्या है ये भी अगेन एक ट्राइब्यूनल है ये स्पेशल टाइप ऑफ केसेस देखता है एनवायरमेंटल रिलेटेड केसेस ये सी बाउंड नहीं है नाउ ये फ्लाई ऐश क्या होती है देखो ये है फ्लाई एश ये है ना फ्लाई एश ये फ्लाई एश क्या होती है कि जो बॉयलर्स हैं थर्मल पावर प्लांट्स हैं इनमें डेबरी बच जाता है जब कोल का ये पूरा बर्न आउट हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं फ्लाई एश दैट फॉल्स टू द बॉटम ऑफ बॉयलर्स कम्बस्शन इसका डिस्पोजल करना एक बहुत बड़ा हेडेक होता है तो फ्लाई ऐश में इसका यूटिलाइजेशन है ना वो हम काफ़ी जगह कर सकते हैं जैसे सीमेंट बनाने में यूज़ करते हैं रिक्लेमेशन इन लो लाइंग एरिया वहाँ पे से भर दो तो वो लेवल हो जाएगी ज़मीन रोड्स और एम्बैंकमेंट्स बनाने के लिए कर सकते हैं माइन फिलिंग ब्रिक्स टाइल्स बनती है एग्रीकल्चर अदर कॉन्क्रीट ऐश डाइक रेजिंग इन सब में फ़्लाई ऐश का यूटिलाइजेशन हो सकता है यहाँ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने कहा है कि जो थर्मल पावर प्लांट्स है ना इनको साइंटिफिक डिस्पोजल करना ज़रूरी है फ्लाई ऐश का इन अकॉर्डेंस विद द स्टेशरी नोटिफिकेशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ये जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट है ये बोलता है कि 100% परसेंट यूटिलाइजेशन करो डिस्पोजल ऑफ फ्लाई एश इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है सो दिस इज़ पेज नंबर फोर देन ये कोरोना वायरस आई डी ये नया नाम हो गया है दिल्ली हॉस्पिटल्स में दो सस्पेक्टेड हैं अब वैलेंटाइंस डे अपील टू सेव अरावली ये बहुत अच्छा न्यूज़ है अरावली रेंज है ना ये बहुत पुराने फोल्ड माउंटेन्स हैं रेलिक माउंटेन्स हैं ये दे आर ओल्डर देन हिमालयाज एवन हिमालयाज से भी पुराने हैं ये ये अराउंड नॉर्थ वेस्ट में है 692 किलोमीटर लॉन्ग है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चलते हैं दैली दहली से हरियाणा फिर राजस्थान ऐसे करके गुजरात में जाते हैं इसकी हाइएस्ट पीक है गुरु जो सत्रह मीटर है अब इसमें बनास लूनी सक्की और साबरमती रिवर भी है पासज है हल्दी घाटी अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि ये ऑलरेडी बहुत पुराने हैं तो ये अपने लास्ट स्टेज पे है ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है इनका काफ़ी ज़्यादा वेदरिंग हो रही है डिटीरियोरेशन हो रहा है इरोडेड माउंटेन्स हो रहे हैं कुछ टाइम बाद मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद ये फ्लैट भी हो जाएंगे प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो मैन मेड एक्शन है ना उससे इनका वेदरिंग स्पीड अप हो गया है यहाँ मिनरल्स हैं माइनिंग है तो इन एक्टिविटी के कारण अरावली जो माउंटेन रेंज है ये इनक्रोचमेंट हो जाता है और ये इनका डिटेरियोरेशन बहुत स्पीडअप हो रहा है तो ये कुछ पर्सनज हैं एक्टिविस्ट हैं अरावली बचाओ सिटीजन के पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2019 का ये यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं नेशनल एवरेज देखो 20% परसेंट है फॉरेस्ट कवर का अराउंड और अरावली में अभी केवल थ्री परसेंट फॉरेस्ट इज रिमेनिंग तो ये जो अरावली है ना ये बहुत हद तक नेकेड माउंटेन रेंज हो गई है यहाँ पर ग्रीनरी नहीं है बहुत कम हो गई है देन दिस इज पेज नंबर फोर ये है पेज नंबर फाइव देन दिस इज पेज नंबर सिक्स ये पेज नंबर सेवन है फर्स्ट फेज़ ऑफ मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे टू बी रेडी बाय दीपावली ये गेम चेंजर होने वाला है ये दिल्ली है दिल्ली से मुंबई अभी दिल्ली से मुंबई जाने के लिए आपको फोर्टी फिफ्टी किलोमीटर लेंथ ट्रैवल करना पड़ता था अराउंड ट्वेंटी फोर फाइव आवर्स लग रहे थे ये जो एक्सप्रेस बन जाएगा ना तो इससे लेंथ ट्वेल्थ सिक्सटी किलोमीटर होगी और केवल बारह घंटे में आप ये डिस्टेंस ट्रेवल कर पाओगे ये दिल्ली टू जयपुर है अब ये बहुत सारे फेजेज़ में बना है जैसे दहली सुगुरगांव मेवात फिर कोटा रतलाम दाहोद गोधरा वडोदरा सूरत मुंबई तो ये डेडलाइन है ट्वेंटी वन तक कंप्लीट होने का इसमें थर्टी फोर स्ट्रैच ऐसे बना रखे हैं तो अभी फर्स्ट फेज है उसका कंप्लीशन अभी होने वाला है दिवाली तक हो जाएगा इंटरसिटी और यहाँ पे जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं ये एक इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसेस का इनोग्रेशन कर रहे हैं ये बसेस चलेगी इंटरसिटी इंटरसिटी का मतलब होता है दो सिटी के बीच में इंटरसिटी मुंबई टू पुणे चलेगी अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है ना उनका सप्लाई में अफेक्ट हो सकती है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस में काफ़ी सारी जो फैक्ट्रीज हैं चाइना में वो शट डाउन हो गई है वर्चुअली देन दिस इज वर्चुअल क्लासरूम ये वर्चुअल क्लास रूम एस्टैब्लिश कर रहे हैं ताकि बच्चों को भी जो टेक्नोलॉजी uh, के थ्रू अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करा सके वर्चुअल क्लासरूम्स एंड स्टूडियो स्कीम विच विल बी इम्प्लीमेंटेड इन सेवन ट्वेंटी फाइव स्कूल्स ये महाराष्ट्र में हो रहा है ऐसा देन दिस इज पेज नंबर सेवन दिस इज पेज नंबर सेवन दिस इज पेज नंबर नाइन रामायणा थीम ट्रेन ऑन द कार्ड्स रेलवेज ये रामायण एक्स थीम का ऐसा एक रेलवेज बनाएंगे द आइडिया इज टू प्रमोट टूरिज्म और रेलवेज को भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो ये सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हैं कैपेसिटी एनहेंसमेंट इज नीडेड देन ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है साइंटिस्ट रेडियो टैग इंडियन पैंगोलिन ये देखो ये है इंडियन पैंगोलिन इसमें से स्केल्स होती हैं ये थिक टेल्ड पैंगोलिन होता है स्केली एंटीटर anti होता है पैंगोलिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में होता है ये काफ़ी बड़ा पेंगुन है इट इज लार्ज ओवरलैपिंग स्केल्स ऑन इट्स बॉडी विच एक्ट एज अ आर्मर ये एंडेंजर्ड लिस्ट में आता है कार्निबोरस है ये रिक्लूसिव है और नॉकटर्नल है नॉक्टर्नल मतलब रात में जो ऑपरेट करते हैं उनको नॉकटर्नल बोलते हैं ये नॉकटर्नल एनिमल है अब इसके साथ प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसको हंट किया जाता है इलीगल ट्रेड होता है फॉर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन और इससे इनका पॉपुलेशन बहुत ग्विन्डल हो गया है इन पास्ट सम टाइम तो गवर्नमेंट क्या कर रही है इस पर रेडियो टैग लगाएगी रेडियो टैग से क्या होगा कि ये जहाँ भी जाएगा ना इसकी मॉनिटरिंग बहुत ईजी हो जाएगी ये शेड्यूल वन पार्ट वन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू में है रिसर्चर्स से टैगिंग द एनिमल्स विल हेल्प अंडरस्टैंड द हैबिट्स ऑफ रिक्लूसिव नॉक्टर्नल एनिमल दिस इज अ वेलकम स्टेप फॉरवर्ड हमने टाइगर्स में भी अभी टैगिंग किया था टाइगर्स में भी कॉलर लगा देते हैं ताकि हम उनको भी मॉनिटर कर सकें उनकी एक्टिविटीज़ को दिस इज पेज नंबर नाइन ये है एडिटोरियल आज के सारे सेक्शन बहुत अच्छे हैं चॉइस एंड कैंडीडेसी हमने कल पढ़ा था ना डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स uh, के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर्स दिए थे कि आपको जो भी कैंडिडेट पार्टी सेलेक्ट कर रही है स्टेट में और सेंटर में उनको उस कैंडिडेट की पूरी क्रिमिनल हिस्ट्री बतानी पड़ेगी बताना पड़ेगा कि आपने उस कैंडिडेट को क्यों सेलेक्ट किया रीज़न क्या था उसकी क्या मेरिट है क्या क्वालिफ़िकेशन है यह आपको सोशल मीडिया हैंडल लोकल न्यूज़पेपर में ये रीज़न पब्लिश करना पड़ेगा और ये 48 एट आवर्स ऑफ सेलेक्शन में देना है टू वीक्स बिफोर फाइलिंग नॉमिनेशन एक कॉम्प्लायस रिपोर्ट भी देनी होगी विद इन सेवेंटी टू आवर्स टू इलेक्शन कमीशन वरना नहीं करोगे तो रिस्क ऑफ कॉन्टेम्ट आ जाएगा अब गवर्नमेंट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि जो कैंडिडेट्स हैं पॉलिटिक्स है उसमें डीक्रिमिनलाइजेशन होना ज़रूरी है स्पेशली जो सीरियस टाइप ऑफ क्राइम्स होते हैं हमें क्वालिफिकेशन अचीवमेंट और मेरिट बेस्ड कैंडिडेट सेलेक्ट करने की ज़रूरत है अब इस पूरे एडिटोरियल में ये बात है कि वाई पॉलिटिकल पार्टीज चूज़ सच कैंडिडेट्स ऐसा होता क्यों है ये इसलिए होता है बिकॉज विनेबिलिटी जो यूजुअली क्रिमिनल uh, uh, जिनका बैकिंग होता है उनके पास मसल पावर ज़्यादा होता है वो इजीली अरेंज मनी कर सकते हैं बाय हुक्स और क्रोक्स ये बाउंड नहीं होते हैं बाय कॉन्शियस ऑब्वियसली दे आर क्रिमिनल तो दे आर नॉट बाउंडेड बाय कॉन्शियस ये काफ़ी प्रैक्टिकली एक्ट करते हैं और सबसे दुख की बात ये है कि हमारे यहाँ सोसाइटी में ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं क्रिमिनल क्रिमिनेलिटी को हम ये क्रिमिनल टेंडेंसी को एज अ हीरो प्रजेंट करते हैं तो विच समाइम्स गुड टर्न्स बैड इससे क्या होता है कि जो क्वालिटीज़ हमें एक्चुअल में देखनी चाहिए इन अ पर्सन इन अ कैंडिडेट वो बैक सीट ले लेती है क्वालिफिकेशन अचीवमेंट और इसमें एक और ये बात है कि इसमें अभी तक जो भी प्रोग्रेस हुआ है डी में वो मोस्टली वर्क हुआ है जुडिशरी का और इलेक्शन कमीशन का गवर्नमेंट की तरफ से या फिर अगर लोगों के वोटिंग बिहेवियर में भी देखें तो उसमें कुछ सब्सटेंशियल चेंजेस नहीं आए हैं तो जुडिशरी और इलेक्शन कमीशन कैन नॉट डू इट अलोन वी नीड पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल क्लास और जो ऑर्डिनरी पब्लिक है उनकी भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि डी ऑफ पॉलिटिक्स हो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस होते हैं कई बार वो भी क्रिमिनल एक्टिविटी में आ जाते हैं बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वी हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि रेगुलर क्रिमिनल केसेस एंड जो सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं उनको हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए हमें सीरियस केसेस को देन दिस इज ट्रबलिंग डेटा ये बात किया है अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आया था उसमें टर्म यूज़ किया था जिसका नाम था ग्रीन शूट्स जैसे पौधे पनपते हैं ना मतलब इकोनॉमी रीग्रो हो रही है ग्रीन शूट्स इन इकोनॉमी बट ग्रोथ इज नॉट हेल्ड बैक बाय हाई फाइनेंस कॉस्ट बट बाय पुअर कंज्यूमर डिमांड्स तो ये जो ग्रीन शूट्स है ना ये अभी भी वोलेटाइल है ये डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं हम इसमें बिकॉज इंडस्ट्रियल आउटपुट डेटा फिर आया है और ये बोल रहा है इकोनॉमी ग्रोथ कॉन्ट्रैक्ट हुई है तो जो ऐसा तो नहीं है कि हमारा फेथ मिसप्लेस्ड है कोर सेक्टर जो होता है इकोनॉमी का इसमें एट कॉम्पोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी स्टील रिफाइनरी क्रूड ऑयल कोल सीमेंट नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर ये एट कोर सेक्टर में काउंट होते हैं इनकी ग्रोथ अराउंड वन पॉइंट थ्री परसेंट है विच इज़ गुड प्रॉब्लम जो आ रही है ना वो आ रही है मैन्युफैक्चरिंग में ये श्रिंक हो रही है और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं इनकी डिमांड नहीं आ रही है तो ये ग्रोथ इम्पलसेज हो सकते हैं कि ये जो ग्रीन शूट्स हैं ना दे आर नॉट टेलिंग द ट्रू पिक्चर ये अनस्टेबल है दूसरी एक नया इशू आ गया है वो है चाइना का कोरोना वायरस इससे इकोनॉमिक प्रोडक्शन uh, इंपैक्ट हो रहा है चाइना का और इसका इंपैक्ट रिपरकशन आएंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई बॉटल नेक होने वाला है सेकेंड जो बात है वो है इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन भी कोर इन्फ्लेशन कलम ने देखा था ना कोर इन्फ्लेशन तो फिर भी मैनेजेबल है बट अगर अपन सी पी आई हेडलाइन इन्फ्लेशन देखें तो फूड और फ्यूल इनके कारण इन्फ्लेशन में स्पाइक्स आ रहे हैं जैसे कुकिंग गैस सिलेंडर अभी गवर्नमेंट ने एक सौ चौवालीस रुपये इसकी कॉस्ट बढ़ा दी बैंक्स जो हैं वो पुअर क्रेडिट ग्रोथ बता रहे हैं मतलब क्रेडिट नहीं ले रहा है उनसे कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत डैम्पंड है सो so, इस पूरे में ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इंडियन इकोनॉमी रिवाइवल में वो होगी कंज्यूमर्स की डिमांड की टू टर्न अराउंड इज कंज्यूमर डिमांड बिकॉज इंडियन इकोनॉमी इज वेरी मच डोमेस्टिक डिमांड ड्रिवन इकॉनॉमी देन अ टेल ऑफ आउटब्रेक सार्स और कोविड नाइनटीन सार्स आया था टू थाउजेंड टू थ्री में कोविड आया नाइनटीन ट्वेंटी में ये दोनों ही कोरोना वायरस फैमिली से बिलोंग करते हैं अनरेगुलेटेड वेट मार्केट वाइल्ड लाइफ ये जो कंजम्पशन होता था इनका आ, सी फूड का और ये अनहाइजेनिक कंडीशन थी मार्केट्स में उससे इनका ये जूनोटिक डिसज़ेज आई मतलब एनिमल टू ह्यूमन ये ट्रांसफ़र हुआ इन दोनों के केस में ही ऐसा हुआ था कि गवर्नमेंट डिनाई करते रही बहुत टाइम तक कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो विसल ब्लोवर्स थे उनको साइलेंट कर दिया गया और जब आउटब्रेक बहुत बड़ा हो गया तब गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया मोर्टेलिटी रेट सार्स में अराउंड टेन परसेंट थी मतलब सौ लोगों को अगर सार्स हुआ है तो दस लोग मर गए कोविड में टू परसेंट है मतलब सौ में से दो लोग बस डेथ हुआ है और इसमें एक और जो बात अभी काफ़ी उभर के आ रही है वो आ रही है जीनोफोबिया ऐसा ट्रेंड चल गया है कि चाइनीज़ जो रेसिडेंस चाइनीज़ ओरिजिन के पीपल हैं उनको सब डर के देख रहे हैं कि ये कहीं कैरियर ऑफ दिज सार्स और दिस कोरोना वायरस तो नहीं है इनके साथ मिसट्रीटमेंट हो रहा है पैनिक क्रिएट हो रहा है मिसप्लेस्ड इन्फॉर्मेशन है बिकॉज टू थाउजेंड टू थ्री में तो व्हाट्सएप जैसी कोई चीज़ नहीं थी बट अब व्हाट्सएप से काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया से मिसप्लेस्ड इफॉमेसन आ रही है सो दिस इज़ वॉट दे हैव टॉक्ट डर सो दिस इज़ अबाउट वन एशिया टू पर्सपेक्टिव, वन एशिया टू पर्सपेक्टिव, 1968 में गुन्नार मेडल ये एक स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे नोबल विनर भी थे इन्होंने तीन वॉल्यूम का एक बुक लिखा ये जो पूरा है ना इसमें ये बताया है कि एशिया को जो वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट हैं और वेस्टर्न पीपल है वो काफ़ी अच्छे से नहीं देख रहे थे एशिया का ट्रू पोटेंशियल रिकोगनाइज नहीं कर रहे थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुई है ये कंडीशन काफ़ी चेंज हो गई है और एशिया काफ़ी इंप्रूव भी हुआ है तो ये जो थे ना गुरनार मेडल इन्होंने बुक लिखा था एशियन ड्रामा एन इंक्वायरी इंटू द पॉवर्टी ऑफ नेशंस रिफ्लेक्टिंग एडम स्मिथ एडम स्मिथ भी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट रहे हैं एन इंक्वायरी इंटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप है यहाँ पे तो इन्होंने बेसिकली फंडामेंटल कमेंट्री दी है कि जो वेस्टर्न इकोनमिस्ट थे उन्होंने जो एशिया का पिक्चर इमेजिन किया और प्रेजेंट किया वो करेक्ट नहीं था उन्होंने ये बोला कि एशिया में लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप है लो इनकम है लो सेविंग्स हैं लो इन्वेस्टमेंट्स हैं प्लस ये जो है इनकी इनेबिलिटी है टू ग्रो में मतलब साइकोलॉजिकली सोसाइटल वैल्यू सिस्टम है इनका वो ऐसा है कि ये ग्रोथ को प्रमोट नहीं करते हैं फॉरेन एड है दैट इज़ दी ओनली वे इनको ग्रोथ करने का तो ये जो पूरी पिक्चर है ना इस पूरे बुक में जो इन्होंने लिखा है थ्री वॉल्यूम एशियन ड्रामा इसमें एशियन कंट्रीज़ को बहुत मेलोड्रामेटिक बताया है और ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं बताया है ये काफ़ी पैसमिस्ट पिक्चर प्रेजेंट करती है हमारे वैल्यू सिस्टम को इसने क्वेश्चन उठाया है और इसको फ्लॉड का है अब जो सेकेंड स्कॉलर है वो है एंगस मेडिसन एंगस मेडिसन की बुक है द वर्ल्ड इकोनॉमी इन द ट्वेंटी सेंचुरी नाइनटीन इन्होंने बताया इन्होंने पॉजिटिव पिक्चर प्रेजेंट किया है टू थर्ड वर्ल्ड पॉपुलेशन एशिया की है थ्री बाई फिफ्थ इनकम जो हो रही है वो आ रही है एशिया से देन थर्ड जो ऑथर है वो है दीपक नैयर दीपक नैयर ने काफ़ी पॉजिटिव पिक्चर अगेन प्रेजेंट किया है इनकी बुक है रिसर्जेंट एशिया डाइवर्सिटी इन डेवलपमेंट एशिया बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है और इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है डिफरेंट एथेनिसिटी रेस सो एशिया का रॉन्ग इमेज परसेप्शन है उसको इन्होंने यहाँ पे क्लियर करने का ट्राई किया है परस्पेक्टिव इज इम्पॉर्टेंट हर चीज़ के दो पहलू होते हैं एक आपका परस्पेक्टिव इट इज़ गुड बट इट इज़ नॉट कम्प्लीट हम दूसरा परस्पेक्टिव भी हो सकता है देर कुड भी अनादर वर्जन ऑफ योर स्टोरी एशिया जो है इसका रिच हिस्ट्री है ये वेल्दीस्ट कंट्री रहे हैं इसके इंडिया एंड चाइना ये जो एरिया है ये बहुत बड़ा है जो कॉलोनियलिज़म था ना वो इसका एक डार्क फेज आया था दादा भाई नारूजी की एक बुक है ड्रेन थ्योरी इन्होंने काफ़ी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है कि हाउ दिस दिस्टमेटिकली दिस ड्रेंड आउट द वेल्थ ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट देन एशिया जो है ना ये काफ़ी डाइवर्स प्लेस भी है बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमी इज गोइंग ऑन एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज अभी पूरा वर्ल्ड सर्विसेज में सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंट हो रहा है वो इंडिया और चाइना कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में चाइना कर रहा है सर्विसेज में इंडिया इज डूइंग वेल सो वी आर नॉट एग्रीकल्चरल इकोनॉमी एनी मोर हम सर्विसेज और मैनुफैक्चरिंग में भी जा रहे हैं सेकेंडरी एंड टर्जरी एक्टिविटीज़ एच के जो पैरामीटर्स है वो रिमार्केबल ग्रोथ शो कर रहे हैं सो दिस इज सेंचुरी ऑफ एशिया वी नीड अ चेंज इन परस्पेक्टिव देन ये है फाइटिंग अ वायरस येट अगेन कोरोना वायरस दिस इज़ पेज नंबर ट्वेल्व ये पेज नंबर थर्टीन है एंड देन ये पेज नंबर फोर्टीन है अफगानिस्तान जो है ना अफ़गानिस्तान को अक्सर ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स बोलते हैं रोमन मंगोल इजिप्ट टर्क मैसेडोनिया ब्रिटिश रशियन यू ये सब यहाँ पे गए और इनका काफ़ी इमेज भी ख़राब हुआ और इनको फाइनेंशियल लॉसेस भी हुए और इनकी एम्पायर का काफ़ी लॉसेज उनको उठाने पड़े इसका रीज़न ये है कि जो अफगानिस्तान है ना इसकी जोग्राफी इसका कल्चर इसका ट्राइबल सिस्टम बहुत यूनिक है तो जो फ़ॉरन फोर्सेज अफग़ानिस्तान में आती है ना वो परफॉर्म नहीं कर पाती है इन सब का एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो यू एस अब यहाँ से पुल आउट करना चाहता है एज़ सुन एज़ पॉसिबल और वो चाहता है यहाँ पर समाओ पीस आ जाए इसलिए यू एस अब तालिबान से भी बात करने के लिए रेडी है अब इन सब में शुड इंडियन ट्रूप्स को वहाँ पे भेजना चाहिए अभी क्वेश्चन उठ रहे हैं कि हमें इंडियन ट्रूप्स इंडियन सोल्जर्स को अफगानिस्तान में पीस के लिए भेजना चाहिए इस पर बहुत सारे डिसीजंस आ सकते हैं ओपिनियन आ सकते हैं बट मेजॉरिटी पीपल ये बोल रहे हैं कि दिस वुड नॉट बी अ गुड आइडिया बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होना चाहिए हमारे ट्रूप्स को हम डिस्पैच नहीं करेंगे अफगानिस्तान में जाके लड़ने के लिए ऑलरेडी हम ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट दे रहे हैं बिल्डिंग्स बना रहे हैं पार्लियामेंट हो रही है सलमा डैम कंस्ट्रक्शन किया फाइनेंशियल एड्स दे रहे हैं मिलिट्री एड्स दे रहे हैं बट वी कुड अवॉइड सेंडिंग अवर सोल्जर्स ऑन अफगानिस्तान सॉइल दैट वुड बी अननेसेसरी एंड वुड नॉट बी अ वाइज डिसीजन देन दिस इज़ पेज नंबर फिफ्टीन ये है भारती टू मेक टेन थाउजेंड करोड़ पार्ट पेमेंट इन एजिया ड्यूज बाय फेब्ररी ट्वेंटी यहाँ पर कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा है सी सी आई ऑर्डर अगेंस्ट अमेजन फ्लिपकार्टे स्टे लगा दिया है यह है कॉम्पटिशन कमीशन ऑफ इंडिया कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया टू थाउजेंड टू में कॉम्पिटिशन एक्ट से बनी थी ये फोर्टीन अक्टूबर टू थाउजेंड थ्री में बनी थी इसका काम क्या होता है कि जो कॉम्पिटिशन है ना वो फेयर होना चाहिए एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए बाय बिग मेजर्स फेयर प्ले होना चाहिए और इसमें ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं लाइक like कंपनीज हैं अमेज़ॉन एंड फ्लिपकार्ट ये प्रेफरेंसेस देती हैं टू सेलेक्ट सेलर्स खुद की ब्रांड्स को प्रमोट करती हैं जैसे फ्लिपकार्ट का भी अपना खुद का ब्रांड है अमेज़ॉन बेसिक्स अमेजन का ब्रांड है तो कुछ सेलेक्टेड ब्रांड्स को ये प्रमोट कर रही हैं विच इज़ एंटी कॉम्पिटेटिव इससे जो रिटेलर्स हैं दूसरे रिटेलर्स हैं उनको नुकसान होता है ये डीप डिस्काउंट्स देती हैं वो भी अगेन एंटी कॉम्पिटेटिव है इन पर फेमा के चार्जेस लगे हुए हैं फॉरन एक्सचेंज मनी एक्ट फॉरन एक्सचेंज मनी एक्ट फेमा के चार्जेज हैं इनके ऊपर देन सोर्सेज ऑफ फंडिंग का इसपे क्वेश्चन उठते रहते हैं कि वॉट इज देयर सोर्स ऑफ फंडिंग कई बार ये जो इनका सोर्सेज ऑफ फंडिंग होते हैं इसपे क्वेश्चन ये उठे हैं कि देट इज नॉट विद दिन द लॉज देन इस पर अभी स्टे लगा दिया इसका फर्दर हम फॉलो अप लेंगे देन टेक्सटाइल पॉलिसी टू बी रोल्ड बाय मिड ट्वेंटी ट्वेंटी ये बी एस फोर डेडलाइन है भारत स्टेज फोर ये क्या है ये नॉर्म्स है कि आपका जो व्हीकल है उससे कितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है तो अभी तक बी एस फोर नॉर्म्स चल रहे थे ये इक्विवेलेंट है इक्विवेलेंट टू यूरो नॉम्स जैसे नाइनटीन नाइन्टी नाइन में बी एस वन थे 2020 समथिंग में बी एस सिक्स आ गए तो इसमें देखो पॉल्यूशन बाय कार्स टू व्हीलर्स काफ़ी कम हो गया है फ्यूल के भी इसमें नॉर्म्स होते हैं जो फ्यूल इनको सप्लाई करता है दैट शुड बी हैविंग लेस अमाउंट ऑफ लेड एंड पॉल्यूटिंग मटेरियल बी एस सिक्स में क्या है बी एस सिक्स फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी में ये नॉर्म्स आएंगे ये मोस्ट एडवांस्ड एमिशन स्टैंडर्ड है ऑटोमोबाइल्स का एंड इज इक्विवेलेंट टू यूरो योरोस नॉर्म इसका काम ये होगा कि रिड्यूस करें व्हाक्युलर पॉल्यूशन को द न्यू नॉर्म्स मेक ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक होगा सारे व्हीकल्स में तो ये बता देगा कि आपका व्हीकल पॉल्यूटिंग तो नहीं है समटाइम्स यू वुड सी कि एक बस है जिससे बहुत काला धुआं निकल रहा है बहुत पॉलिटिंग है तो इसमें ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम भी रहेगा OBD यूनिट कैन आइडेंटिफाई लाइटली एरियाज ऑफ मेल फंक्शन बाई मीन्स ऑफ डिफॉल्ट कोड स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की भी बात की है इसमें एफ आई इन टू व्हीलर्स सो ये बी एस सिक्स नॉर्म्स में जो फर्स्ट अप्रैल की डेडलाइन है उसमें जो ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं ये बोल रहे थे कि इनको कुछ टाइम दो रिलैक्सेशन दो ताकि ये जो बी एस फोर की इन्वेंट्री है उसको क्लियर कर सके बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा करने से मना कर दिया है देन दिस इज़ पेज नंबर सेवेंटीन पेज नंबर 18 है दिस इज पेज नंबर 19। यहाँ है मोहन बागान थ्रेशेस नेरो का ये जो मोहन बागान है ना ये प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है ये फिफ्टीन अगस्त 1889 में बना था भूपेंद्र नाथ बोस ने इसे बनाया था ये ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग एसोसिएशन फुटबॉल क्लब है एशिया का फुटबॉल एक टाइम पे इंडिया में बहुत पॉपुलर था बिफोर दिस क्रिकेट केम इन पिक्चर फुटबॉल का फैन क्लब भी आज की डेट में बहुत बड़ा फ़ैन क्लब है फुटबॉल एक कंप्लीट स्पोर्ट माना जाता है टीम टीम एफर्ट बहुत है टीम स्पोर्ट्समैनशिप बहुत डेवलप होती है फुटबॉल खेलने से सुनील छेत्री अभी जो कैप्टन है इन्होंने एक इमोशनल अपील किया था बिकॉज़ फुटबॉल को प्रॉपर ऑडियंस नहीं मिल रही थी दैट वॉज अ वेरी आई थिंक दैट वॉज वेरी बैड थिंग कि हम फुटबॉल को इतना अटेंशन नहीं दे पा रहे थे फुटबॉल ही नहीं दूसरे गेम्स को भी ऑल स्पोर्ट्स शुड बी एनकरेज्ड वी नीड टू डेवलप इंटरेस्ट एंड टेस्ट केवल क्रिकेट नहीं और भी जो दूसरे गेम्स हैं उसमें भी हमें इंटरेस्ट देना चाहिए ऐसे ही है, गेम है स्क्वाश सौरव एंड जोशिना चिनप्पा एंटर फाइनल सो दिस इज स्पोर्ट्स सो टुडे वी रेड अबाउट मोहन बागान इसके बाद हमने देखा बी एस सिक्स नॉम्स जो फर्स्ट अप्रैल ट्वेंटी ट्वेंटी से आएंगे सी सी आई एंड ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट एंड Amazon। अफगानिस्तान यू एस तालिबान और फिर हमने देखा दीपक नैयर इनकी डिफरेंट बुक्स हैं दीपक नैयर एंगस मेडिसन और एशियन ड्रामा बाय गुन्नार मेडल वन एशिया टू पर्सपेक्टिव एक एशिया को ख़राब बता रहे हैं और दूसरे एशिया को काफ़ी अच्छा बता रहे हैं अ टेल ऑफ आउटब्रेक सार्स और कोरोना वायरस नाइनटीन का हमने कंपेरेटिव स्टडी किया देन दिस इज़ अबाउट ट्रबलिंग डेटा और ये है दिस इज अबाउट चॉइस एंड कैंडिडेसी डी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स दिस इज़ अबाउट इंडियन पैंगोलिन इसका रेडियो टैगिंग कर रहे हैं ये मुंबई टू दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे होगा केवल 12 घंटे में डिस्टेंस ट्रेवल होगी अरावली इज डाइंग और यहाँ पे हमने अरावली क्या बात किया मैन मेड एक्शन को स्टॉप करने की जरूरत है इससे स्पीड अप हो रहा है डिटीरियोरेशन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने फ्लाई एश का हंड्रेड यूटिलाइजेशन की बात की है और दिस इज़ अबाउट एयर क्वालिटी इंडेक्स और ये था एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर